शक्ति भवन में पार्वती कालीसिन चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना को लेकर त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों राज्यों ने 20 साल पुराने विवाद का हल निकाल लिया है। आने वाले दिनों में इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देंगे। आगे भी कहा कि आने वाला वक्त दोनों राज्यों के लिए अद्वितीय रहने वाला है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा लगाव दोनों राज्यों का ऐसा है जैसे दोनों राज्य एक ही है और उसमें भी चार चांद तब लग जाते हैं। जैसे हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, माननीय सीआर पाटिल साहब है और मैं स्वयं सब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे अपने राज्य में 20 साल पुराना एक विवाद था, उस विवाद को धीरे धीरे न केवल हल कर लिया बल्कि मुकाम पर ला करके बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे और उसका दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना मूल रूप से था उससे कई गुना ज्यादा सार्थक रूप में आ जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम और पाटिल साहब और माननीय भजनलाल जी साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हम सब उसी योजना में लगे। जब बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा काम होता है तो कई बार बैठना पड़ता है, कई सारे पहलुओं को पकड़ना पड़ता है और ये भी मान के चलिएगा कि ये आने वाला समय दोनों राज्यों के लिए एकदम अद्वितीय रहने वाला।